दोस्तों बेरोजगारी के इस दौर में जहां पर जॉब मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, वहीं पर कॉल सेंटर में लाखों युवा जॉब कर अपना करियर बना रहे हैं। और इसका कारण यह है कि वहां पर 10th या 12th पास आउट लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है। यह हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कॉल सेंटर में जॉब करना, तो वहां पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किन स्किल्स की वहां पर रिक्वायरमेंट है और कितनी क्या सैलरी वहां पर रहती है, तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरो टॉक्स पर। तो दोस्तों, आजकल कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास कई सारा काम है, तो कुछ ऐसा काम है जो वो खुद नहीं करती, जैसे डेटा एंट्री हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया हैंडलिंग है, टेलीकॉलिंग है, ये सारा काम वो दूसरी कंपनियों को आउटसोर्स कर देती है। और जो कंपनी ये सारा काम करके उन्हें देती है, उस कंपनी को हम बीपीओ कंपनी बोलते हैं, और कॉल सेंटर बीपीओ कंपनी का ही एक पार्ट होता है। दोस्तों, बीपीओ के बारे में अगर आपको जानना है तो इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, तो वहां पर क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। कॉल सेंटर में टेलीकॉलिंग का काम होता है। टेलीकॉलिंग में लोग कस्टमर से बात करते हैं कॉल के थ्रू, और वो सर्विस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, और उनके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्यूरीज होती है, या फिर किसी सर्विस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें कॉल करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करके उन्हें दें। सो दोस्तों, अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होती है इनबाउंड कॉलिंग, एक होती है आउटबाउंड कॉलिंग। इनबाउंड कॉलिंग में ये होता है कि जो कस्टमर होता है वो खुद हमें कॉल करता है, हमारे जो सर्विस प्रोडक्ट जो खरीदे हैं उसने, उससे रिलेटेड अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए वो हमें कॉल करता है और हमें इसका सॉल्यूशन उनको देना होता है। जबकि आउटबाउंड कॉलिंग में ये होता है कि कंपनी खुद कस्टमर को कॉल करती है सर्विस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, ये सारा काम एक पर्सन करता है जो होता है टेलीकॉलर। और दोस्तों, इनबाउंड कॉलिंग और आउटबाउंड कॉलिंग में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये, इसके बारे में अगर आपको ब्रीफली जानना है तो इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, तो वहां पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप टेलीकॉलर की जॉब करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। सो इसमें अगर आपकी 10th या 12th भी अगर आपने कर रखी है तो आप इजीली इसमें जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें अदर कंट्री के क्लाइंट से डील करनी होती है, उनसे कन्वर्सेशन करना होता है, सो इजीली हम उनसे बात कर सके, हम उनको हैंडल कर सके, सो ये चीजें हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा बातचीत करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप में ये क्वालिफिकेशन है और जो स्किल्स वहां पर चाहिए वो भी अगर आप फुलफिल करते हैं, तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यूअर वहां पर देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप कितना कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात कर सकते हैं, आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से आपकी आप कस्टमर की बातों को लिसन करते हैं, लिसनिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर आपको ट्रेनिंग पर रखा जाता है, 1 से 2 महीने की वहां पर ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जिसमें आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से समझाया जाता है, कंपनी के क्या सर्विस प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती है। इसके अलावा ग्रीटिंग वर्ड्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, सॉरी, ये सारी चीजें भी आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है कि किस कंडीशन में आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। इसके अलावा एक स्क्रिप्ट आपको दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमर से बात करनी होती है, और इसके अलावा कई सारी और भी एक्टिविटीज करवाई जाती है जिससे आप कस्टमर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको आपका काम संभालने के लिए दिया जाता है, आपको डेली बेसिस पर अपना जो टारगेट है वो अचीव करना होता है, जो भी काम आपको दिया जाता है वो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ करना होता है। सो उस टाइम पर आपकी जो कॉल्स है, जिस आप बात करते हैं कस्टमर से,
जैसे आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी कॉल को वहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिन भर की 100 कॉल कर रहे हैं, तो कुछ कॉल को वहां पर ऑडिट किया जाता है और ऑडिटर के द्वारा वहां पर उसको सुना जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कितनी मिस्टेक्स वहां पर कर रहे हैं। जो भी गलतियां आप करते हैं उनको वहां पर बताया जाता है कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं और किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, सैलरी की अगर हम इसमें बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है इसकी 10,000 से 20,000 के बीच होती है। वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि किसको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर आपको किस तरह से करना है, इसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आई बटन में दिया है, तो वहां पर क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।